हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग कैप्रिकॉर्न। अगर सन मून और राइजिंग पोजीशन आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तिथि पे ध्यान ना देते, ध्यान किस पे, एनर्जीज पे, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। तो हो सकता है एनर्जीज आप लोगों के साथ मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती हैं तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। इसमें हम चेक करेंगे मकर दैट मार्च 2023 की ऑल ओवर एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। तो प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। कैप्रिकॉर्न ये कार्ड मैंने आपके पहले ही शफल एंड मेडिटेट करके रखे हुए हैं, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में आपके बहुत ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। आप माइट भी किसी बहुत ऑब्स्टिकल्स का फेस कर रहे हैं या आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसी मुझे वाइब्स एंड एनर्जी मिल रही है। बिकॉज ये रीडिंग करते वक्त मुझे ऑब्स्टिकल्स बहुत फील हो रहा है। ओके, सो थ्री ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्स, द मजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, एंड वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो नंबर मुझे काफ़ी स्ट्रांगली मिल रहे हैं वो है 2, 3 एंड 9 नंबर मुझे काफ़ी स्ट्रांग मिल रहा है, 1 नंबर मुझे काफ़ी स्ट्रांग मिल रहा है। तो जो नंबर्स मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड जो राशियाँ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं वो हैं लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वैसे तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, बट लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे, फॉर फ्यू ऑफ यू, मुझे यहाँ पे मैरिज भी इन्वॉल्व नज़र आ रही है। पास्ट में माइट भी आपने किसी एक मेजर हार्ट ब्रेक का सामना किया है, कोई पेन है, वाउंड है, ट्रॉमा है, माइट भी कोई बिट्रेयल फेस किया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं कुछ लोग, या तो आपने रखा हो या आप हो। तो मैं देख सकती हूँ कि दिल टूटा है ना, कुछ ना कुछ नेगेटिव जो है मुझे वो दिखाई दे रहा है। करंट में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को एक नया चांस देने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेकर आने के लिए। एंड इस बार, इस मार्च मंथ से आप चीज़ें काफ़ी बेस लेवल से लेकर चलने वाले हो, अपने रूट्स मजबूत करते हुए जो है आगे ग्रो करने वाले हो। कुछ भी ब्लर्डनेस आप अपनी चीज़ों में रखना नहीं चाहते, चाहे आप अभी ये रिलेशनशिप के कंसर्न में देख रहे हो या अपने करियर के कंसर्न में देख रहे हो या फैमिली के या जिस भी कंसर्न में आप देख रहे हो, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। एंड मैं देख सकती हूँ अगर आप इक्वल गिव एंड टेक रखोगे तो आप इसमें सक्सीड भी होगे। एंड मैं देख सकती हूँ इक्वल गिव एंड टेक रख रहे हो, स्पिरिचुअली अवेकेंड होने की कोशिश कर रहे हो, है ना, किसी दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ लोग। एंड उसी को लेके फैसला कर पाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट आप अब अपनी ब्लडनेस मुझे दूर करते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड बेस लेवल से सब कुछ जो ना शुरू से जड़ें मजबूत करके आगे बढ़ना है। चैलेंज आपका यही है कि बहुत लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, अपनी एडवाइसेस देने की कोशिश करेंगे फालतू की, एंड आप उन सब चीज़ों से काफ़ी मुझे परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें आपको मुझे अफेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, लोगों की चिक चिक मैम फालतू की एडवाइसेस जो आपको चाहिए भी नहीं वो मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं, जो माइट भी आपकी चीज़ें ख़राब कर दे। यही आपका चैलेंज है कि आपको औरों से कितना इन्फ्लुएंस होना है और कितना नहीं। नियर फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ कि आप अपने करियर पे मुझे काफ़ी फोकस करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड हेल्थ को लेके कुछ लोगों के लिए मुझे इशू नज़र आ रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। एंड अगर आप जो है औरों के चक्कर में पड़ के अपना दिमाग नहीं ख़राब करेंगे तो आपकी हेल्थ काफ़ी बेटर रहेगी। अदरवाइज़ मुझे आपकी नियर फ्यूचर में थोड़ा हेल्थ इशू आता हुआ भी नज़र आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझ के करंट से अगर आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करो एंड रेगुलर चेक, वॉक वगैरह, तो आपके लिए बेटर होगा फॉर द नियर फ्यूचर। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं लक आपकी साइड है, गो डीपर एट टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप को हील करो। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअली अवेकन होने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं,
तो अपने अंदर झांको, अपने आप को हील करो, लक आप ही के साथ है, माइट भी चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होने में कुछ टाइम ले लें, बट जो भी आपके ग्रेटर गुड के लिए है वो फॉर श्योर आपका होगा। मैं देख सकती हूँ कि पता नहीं क्यों इसमें नाइन ऑफ सोर्स नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग करते हुए नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी फील हो रही है, जो मुझे ये बता रही है कि कुछ मेजर जो है आप हर्ट में हो। फाइनेंसेस एंड करियर चिल्ड्रन, एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है रोमांटिक फीलिंग्स, लव योर सेल्फ फर्स्ट। यूनिवर्स एंड एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने फाइनेंसेस पे एंड अपने करियर पे फोकस करो। कुछ लोगों के लिए चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ मैरिज इन्वॉल्व नज़र आ रही है। तो अगर आप अपने फाइनेंस और करियर में एंड चिल्ड्रन को लेकर परेशान हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स बैठा है, बट अपने आप को सबसे पहले हील करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें ग्रो होंगी। अपने आप से पहले प्यार करो, वो प्यार पहले अपने आप से करो। जब तक हम देखो खुद खुश नहीं होते, हैप्पी नहीं होते हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, हमारा अंदर का जो मन है, अंदरूनीपन जो हमारा है वो खुश नहीं होता, तो हम स्प्रेड भी नहीं कर सकते हैं हैप्पीनेस, हम स्माइल, हम लव कुछ स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। तो वही यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपकी फाइनेंसेस, आपके करियर, आपकी मैरिज, आपके चिल्ड्रन, आपकी हेल्थ, सब कुछ बेटर होता चला जाएगा, बट हील योर सेल्फ फर्स्ट। यही आपकी जो रीडिंग का है वो बेसिक मंत्रा मुझे नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न। ओके, टेक एक्शन, एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, सिट बैक होके काम नहीं चलेगा, इसलिए हीलिंग पे फोकस करो, दूसरों की चिक चिक मैमे में मत आओ, है ना, एंड आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आप जिस भी कंसर्न में रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप काफ़ी चेंजेस महसूस कर सकते हो। एंड अगर आपको जानना है कि अभी क्यों नहीं एंड ऑल, तो आप मेडिटेट करने की कोशिश करो उस रिगार्ड में, और नॉलेज गैदर करने की कोशिश करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो। एंजल्स विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू, एंड मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी हीलिंग लेकर आ सकती है, एंड आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएंगे, बिकॉज मेडिटेशन से हम अपने इनर सेल्फ से सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं कैप्रिकॉर्न। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, होप यू सीडिंग हेल्प्स। जय शिव शक्ति।